आपण देखुछन्ती खबर फटाफट आदिवासी प्रत्याहार हेब छोट मकदमा एने निर्देश देते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रत्याहृत हो जंगल और अबकारी संपर्कित मामला 48,018 मामला प्रत्याहृत हो अबकारी विभाग अधीन 36,581 मामला गृह विभाग अधीन 9,846 मामला जंगल और परिवेश विभाग अधीन 1591 मामला को प्रत्याहर कर सब् मामला प्रत्याहृत होगा द्वारा कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था उपर चाप ह्रास पाइब नवीन निवास घेरावें जवाबे महिला कांग्रेस और पुलिस मध्य धस्ताधस्ती पुलिस बारिकेड दे आगक जावाक कांग्रेस कर्मी उद्यम करुवा बेले कांग्रेस कर्मी पुलिस मध्य धस्ताधस्ती होता पर महिला कांग्रेस कर्मी को उठाई नहीं पुलिस रैली में सामिल होते महिला कांग्रेस जातीय सभानेत्री अलकालंबा दरदाम वृद्धि महिला सुरक्षा आदि प्रसंगे नवीन निवास घेराव डाकरा कांग्रेस राली पूर्व समावेश कर उभय राज्य और केन्द्र सरकार को समालोचना कर अलकालंबा ओडिशा रे महिला माने शोषण और निर्यातनार शिकार होती सरकार युवक कृषक और महिला न्याय देवे विफल होता कहते अलकालंबा कार्यक्रम में पीसी सभापति समेत प्रदेश कांग्रेस महिला नेत्री माने सामिल होते आसंत साधारण निर्वाचन में कांग्रेस आड़ कि महिला भोटर को आकृष्ट होने प्रस्तुत हो महिला कांग्रेस दिल्ली में प्रवेश लगी 14,000 अधिक कृषकों मार्च राली में सामिल होती 1200 अधिक ट्राक्टर चाषी विशाल आंदोलन को नजर रखी दिल्ली रही हाई अलर्ट समस्त प्रवेश पथे नहीं सुरक्षा व्यवस्था कराषी निकटे भारी जन को जबत लगी पंजाब सरकार को अनुरोध कर हरियाणा सरकार समस्त सीमा को सिल कर सर्वनिम्न सहायक मूल्य बा एमएसपी समेत समस्त दाबी नहीं आंदोलन करुवा कृषक मैंने शंभु सीमार एकाठी होती एवं सुधा कृषक और सरकार चतुर्थ राउंड आलोचना होते भी कौन सुफल मिले आउपादा जिला गगनायन मिशन ह्यूमन रेटिंग परीक्षण सफल क्रायोजेनिक इंजिन CE20 सफल परीक्षण होलभीएम3 प्रस्तुत CE20 क्रायोजेनिक इंजिन CE20 सप्तम परीक्षण सफल इसरोर प्रोपल्यूशन कम्प्लेक्स में कराला परीक्षा 2025 सुधा महाकाश को मनीष पठाइब भारत अभियान सफल हेले भारत हेब चतुर्थ राष्ट्र रशिया अमेरिका चीन पठाई मनीष 300 किलोमीटर पर तीन दिन रे महाकाशचारी प्रथम थर पर मनीष पठाइब भारत उत्तर प्रदेश में इंडिया मेंटर डील फाइनल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मध्य आसन बुझाणा प्राय फाइनाल होता बेले वर्तमान केवल कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनुमोदन को अपेक्षा उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा आसन मध्य समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 आसन छाड़ कांग्रेस 19 आसन चाहूवा बेले 17 संतुष्ट होता जमापड़ तेज 62 आसन में प्रार्थी देवा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया मेंटर अन्यतम सहयोगी चंद्रशेखर आजाद को आजाद समाज पार्टी को बाकी गोटे आसन में लड़ मेंटर स्वार्थ को नजर रखी दुई दल यह बुझाणा में उपनीत होता बेले कि आसन में किटा परिवर्तन कर तेज सीतापुर और हथरस आसन में दुई दल देखिए कि अदल बदल करपारती वाराणसी प्रार्थी देवनी समाजवादी पार्टी सेठे प्रधानमंत्री विरोध में प्रार्थी देव कांग्रेस सेपरी श्रावस्ती आसन पर अदल में समाजवादी पार्टी बुलंदसहर कि मथुरा आसन जय पाई मुरादाबाद 2019 एसपी प्रार्थी विजयी होथर सेठी प्रार्थी देवनी कांग्रेस राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता बेले गत सप्ताह एसपी मुख्य अखिलेश सिंह यादव हावभाव लगुता हेत एटी कांग्रेस और एसपी मध्य बुझाणा हो नपे कांग्रेस को 15 आसन अफर करते अखिलेश तेज आसन बुझाणा फाइनाल न भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सामिल होना तेज डेभलपमेंट पर घटन मुंड पुराई प्रियंका गांधी जहां भी फाइनाल होतेदूर आशा गुरुवार अपराह दुई दल एने औपचारिक घोषणा कर बाराबाटी स्टाडियम रहेब नवकलेवर और विश्वस्तरीय हेब कटक बाराबाटी स्टाडियम स्टाडियम नवीकरण नहीं कोच और खेलाड़ी सहित आलोचना करिछंती 5T अध्यक्ष वीके पांडियान एथसत बाराबाटी हेब राज्यस्तरीय क्रिकेट
उसे एवं राज्य सरकार सहभागित लीग आगामी दिन में क्रिकेटर विकास देव प्राथमिकता से हीपरी महिला क्रिकेट उपर फोकस पूरी में हो महिला क्रिकेट एकेडमी सबु वर्गर क्रिकेटरों पर श्रेष्ठ कोचिंग सेंटर। आज सकाळ 5T अध्यक्ष वीके पांडियन स्टेडियम बुली देखिछंती ओसीएर समस्त कर्मकर्ता सहित आलोचना करने सहित स्टेडियम समस्त गैलेरी ब्लू प्रिंट तर्जमा करिछंती। आसंता 27 तारीख में बाराबाटी स्टेडियम नवकलेबर पर भित्तिप्रस्तर स्थापन होगा। मुख्यमंत्री बाराबाटी नुआ लुप पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे। बीसीसीआई राज्य सरकार और ओसीएर मिलित उद्यम में यह बड़ प्रोजेक्टर शुभारंभ हो मोट 600 कोटी टंका अटकल हो पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्य एक प्रकार चूड़ांत पर्यायर पहुंची। सेपरे ओसीए संपादक संजय बेहरा कहते कि संपूर्ण भंगा हो बाराबाटी स्टेडियम दर्शकों संख्या 44,000 60,000 को वृद्धि आसंता 3 वर्ष भितर कार्य शेष करने लक्ष्य रखाई। विदेशिनी को अस्ताचरण कर गिरफ होती सेवायत लिंगराज मंदिर उत्तर द्वार बाहर विदेशिनी को अस्ताचरण कर मंदिर ऐतिह विषय में बुझाइवा ना अस्ताचरण अभियुक्त कुंदन महापात्र कुंडू को गिरफ्त कर लिंगराज पुलिस कुंडू जड़े सेवायत बोली सूचना मिली। अभियुक्त विरोध में आईपीसी धारा 354 ए बांधि लिंगराज पुलिस। पद्मधरिले प्रदीप पाणिग्राही बीजेपी में मिशिले गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल को उपस्थिति में बीजेपी में शामिल होती प्रदीप। जनविरोधी कार्यकलाप नवंबर 29, 2020 मसीह प्रदीप बीजेडी बहिष्कृत होते बीजेपी में जोगदे पर प्रदीप कहते वर्तमान समय परिवर्तन समय देश तथा राज्य को आगक नेबार समय आसी ओडिया फास्ट संकल्प ने ओडिशा रे बीजेपी सरकार गठन पर सुजोग देवाक से आह्वान देते ओडिशा रे स्वच्छ सरकार देव बीजेपी हिंजिली मिशन आरंभ हो भुवनेश्वर सर प्रदीप कहते। सेपटे बीजेपी में सामिल होगा पर राज्य सरकार को प्रदीप को अटाक उपर प्रतिक्रिया रखिंट बीजेडी नेता देवी मिश्र। बालेश्वर नुआपड़ा बौद्ध जगतसिंहपुर गंजाम में गड़ला लक्ष्मी बस मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भिसी यार शुभारंभ कर बालेश्वर पुलिस लाइन पड़िया रे आयोजित कार्यक्रम में 19 लक्ष्मी बस शुभारंभ हो। बौद्ध में गड़ला लक्ष्मी बस बस में प्रथम यात्रा कले परिवहन मंत्री टुकुनी साहू जंगल परिवेश मंत्री प्रदीप अमात और कंटामाल विधायक महीधर रणा 5 टंका टिकेट काटी बस यात्रा कर। सेपरी जगतसिंहपुर जिले में चलिला मो बस अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद देते लोके नुआपड़ा जिले में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भिसी माध्यम रे लक्ष्मी बस उद्घाटन करते। नुआपड़ा पुलिस पड़िया में आयोजित कार्यक्रम में योजना और संयोजना मंत्री राजेन्द्र ढुलकिया खड़ियाल विधायक अधिराज पाणिग्राही प्रमुख उपस्थित थे। गंजाम में 47 लक्ष्मी बस शुभारंभ हो। आज बुधवार माघमास शुक्ल द्वादशी तिथि श्रीमंदिर में महाप्रभु बनकलागी नीति अनुषित हो द्वितीय भोगमंडप उठा पर दत्त महापात्र सेवक मैंने श्रीमंदिर गर्भगृह को प्रवेश करने सहित महाप्रभु श्रीमुख श्रृंगार करेंगे। प्राकृतिक प्रणाली में प्रस्तुत प्रसाधन श्रीवीर श्रीमुख को श्रृंगार हो हिंगु हरिताल कस्तूरी नाली धला कला भली श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष जोगाई दी जा पारंपरिक रंग में महाप्रभु श्रीमुख श्रृंगार हो। गुप्त सेवा आज संध्या 6 रु 9 पर्यंत दर्शन बंद रही श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष बनकलागि नीति पर ठाकुर को महास्नान कर पुनर्बार दर्शन आरंभ हो। आज नुआदिल्ली प्रख्यात आईनज्ञ तथा सुप्रीमकोर्टर वयोज्येष्ठ वरिष्ठ वकिल अथल्ली एस नरिमन देहांत हो मृत्यु बेलू 95 वर्ष बयस होता। 1928 मसीहा जानुआरी 10 तारीख में मियामारे एक पार्सी परिवार जन्मग्रहण करिथिबा नरिमन 1950 नवंबर मासरे बॉम्बे हाइकोर्ट वकिलाती आरंभ कर 38 वर्ष होता बेले हाइकोर्ट विचारपति आमंत्रण मिलता किंतु से अग्राह्य कर। तापर से नुआ दिल्ली चली आसी 1971 मसीह सुप्रीमकोर्टर जन वरिष्ठ आडभोकेट भाव में आईन व्यवसाय करते
ଏଥିସହିତ 1991-2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଥିଲେ। ନରିମନ୍ଙ୍କୁ ଦେଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ କପିଲ ସିବଲ। କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତର ଜଣେ ମହାନ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରେଡିଓ ଘୋଷକ ଅମିନ ସାଇନୀ। ମିନାକା ଗୀତମାଲ ସେବାକା ଗୀତମାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ମନ ଜିଣିଥିବା ଅମିନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ଥିଲେ ଅମିନ ସାଇନୀ। ପ୍ରାୟ 54,000 ରେଡିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ 19,000 ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ। ରେଡିଓରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ବମ୍ବେରେ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାଇ ହମିଦ ସାଇନୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା, ତିନ୍ ଦେବିଆଁ, ବକ୍ସର କତଲ ଆଦି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବେଳେ ସେ ମା କୁସୁମ ସାଇନୀଙ୍କୁ ଏଡିଟିଂ ଏବଂ ପବ୍ଲିସିଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂର ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ତରଫରୁ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ହମଲା। ଦୁଇଥର ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦାବି। ଆମେରିକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ MQ-9 କିଲର ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମାରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କେତେଦୂର ସତ ତାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଆଶଙ୍କା। ଗାଜା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜେରୁଜେଲମ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ହମାସ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ଲୋକଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଗାଜା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ମୃତକଙ୍କ ତାଲିକା, ଯେଉଁଥିରେ 29,000 ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଲେବାନନର ସିଡୋନ ସହରର ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ହମଲାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସହର ଏକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଭଳି ନଜର ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ନଜର ଆସୁଛି। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ, ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ, ଧରିଲା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୟାମେରା। କଟକର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଲ୍ରେ ପଶିଥିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ, ହଲ୍ରେ ପଶି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ। ଏକଥା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବା କି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ହୋମଗାର୍ଡକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିଛନ୍ତି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି। ଏଥିସହିତ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏଆଇ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅନିୟମିତତା ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସବୁର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ହୋମଗାର୍ଡ ହଲ୍ରେ ପଶି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ। ଏକଥା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ହୋମଗାର୍ଡକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିଛନ୍ତି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି। ଏହା ସହିତ ହୋମଗାର୍ଡକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏଆଇ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅନିୟମିତତା ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେସବୁର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏମ୍ଏସ୍ପି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାରଜ। ଆଉ ଆଜି ଶମ୍ଭୁ ସୀମାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା କୃଷକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କୃଷକମାନେ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ହରିୟାଣାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା ଏମ୍ଏସ୍ପି ସମେତ ସମସ୍ତ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା କୃଷକମାନେ ଶମ୍ଭୁ ସୀମାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୃଷକ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଶମ୍ଭୁ ସୀମାରେ ଜେସିବି ଓ ପୋକାଲେନ୍ ମେସିନ୍ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା କୃଷକଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହ ଉପଦ୍ରବୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। କୃଷକମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
ତେବେ କୃଷକଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଭୟ ବଢ଼ିଛି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୃଷକମାନେ ଗତଥର ଭଳି ସୀମାକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷକରି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବ ମିଳିତ ସରକାର।